वेलकम बैक। तो आपको लग रहा होगा कि यार वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, सो बिकॉज मैं अभी घर नहीं थी, अब आ गई हूँ तो आ ही जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। इसे हमारे मेल लीड का नाम है शी यू ए, हमारी फीमेल लीड का नाम है दिंग शियान। सो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि हमारी फीमेल लीड यूनिवर्सिटी में एंट्री मारती है बींग अ न्यू ईयर फ्रेशर। तो यहाँ पर जब वो अपना कैंपस घूम ही रही होती है तभी जाकर वो बॉयज़ डॉर्मेट्री के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसमें एंट्री मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ की वार्डन उसे रोक लेती हैं और उसे कहती हैं कि यार तुम तो लड़की हो तो बॉयज़ डॉर्मेट्री में घुसकर क्या करोगी। तो वो कहती है कि नहीं, उसे शियू से मिलना है। तभी वहाँ पर जो वार्डन है उसे रोक लेती हैं, वो कहती हैं कि पागल लड़की, यहाँ पर लड़कों से मिलने आई है। इसके बाद वो बाहर खड़े होकर शियू को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगती है कि शियू तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ एंड मुझे इतना तड़पाओ मत यार, बाहर तो आ जाओ। इसके बाद पीछे से हमारा शिव आता है। एज एक्सपेक्टेड हमारा मेन लीड एकदम हैंडसम एंड क्यूट होता है जब वो फीमेल लीड को देखता है। इसके बाद दोनों तो नहीं, हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं। यहाँ पर फीमेल लीड से कहती है कि शी यू ए आई लाइक यू। फीमेल लीड का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि इतने सालों बाद और इतना सब कुछ। वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे कभी लाइक करते हो या फिर कभी पास्ट में किया है। तभी हमारा मेल लीड कहता है कि ये मैटर नहीं करता, ये तो काफ़ी सालों पहले ख़त्म हो चुका था एंड अब हमारी लाइफ काफ़ी अलग है, तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, राइट। वो बस उसे देखती रहती है। इसके बाद वो उसे उसका पुराना गैजेट देती है जो कि सालों पहले शायद हमारे मेल लीड ने हमारी फीमेल लीड को दिया होगा। इसके बाद वो इतना सब कुछ देख कर वहाँ से चली जाती है। शी यू शियान की दिए हुए गिफ्ट को काफ़ी गौर से देख रहा होता है। तभी वो पास्ट में चीज़ों को याद करता है जहाँ पर हमारी स्टोरी पास्ट में जाती है 2009 में। यहाँ पर हमारी फीमेल लीड अपने नए घर में एंट्री मारती है और जब वो अपने गाड़ी से नीचे उतरती है तो उसका भाई उसके बाहर के चला जाता है। एज अदर सिबलिंग्स उसकी और उसके भाई में बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इसके बाद जब ये दोनों अपने अपार्टमेंट में एंट्री मारते हैं, दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है कि बड़ा वाला रूम कौन लेगा। यहाँ पर उसकी मॉम दोनों को सजेशन देती हैं कि वो दोनों एक रूम को शेयर कर लें। तभी वो दोनों कहते हैं कि नो मॉम, हम दोनों बड़े हो गए हैं तो हम लोगों को सेपरेट रूम चाहिए। छोटा भाई सबसे बड़ा वाला रूम ले लेता है एंड बेचारी शियान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो दोनों अपने डैड के चाइल्डहुड फ्रेंड के घर लंच करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शियान की मॉम कुछ ज़्यादा ही बातूनी है। वो इतनी ज़्यादा चपड़ 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 करती हैं और यहाँ पर शी यू एंड साथ में उसके दोनों फ्रेंड्स भी आते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम शियान की ग्रेड्स के बारे में बात करने लगती हैं कि वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, उसके जितना इंटेलिजेंट तो कोई हो ही नहीं सकता, वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ती है एंड उसका पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मन लगता है। यहाँ पर शिव के दोनों फ्रेंड कहते हैं कि आंटी शिव तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, उसने बिना पढ़े लिखे एंड एग्ज़ाम टाइम पर ही वीडियो गेम खेल कर टॉप मारा है अपनी क्लास में। यहाँ पर जब उसके ग्रेड सुनती हैं तो आंटी का मुँह सच भी बंद हो जाता है। यहाँ पर आंटी लगे हाथ उन दोनों फुक्कड़ों के भी मार्क्स पूछ लेती हैं। तभी शिव कहता है कि आंटी एक मिनट, मार्क्स थोड़ी मैटर करते हैं, यहाँ पर हम लंच करने आए तो लंच करते हैं। इसके बाद जब शियान का भाई वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाता है और शियान को भी ना चाहते हुए उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। यहाँ पर शी यू एंड साथ में उसके दो फ्रेंड्स रहते हैं, वो दरअसल शियान के बारे में बात कर रहे होते हैं बिकॉज शियान के सिर पर एक बहुत ही बड़ा बम उठ गया था क्योंकि वो दीवार से टकरा गई थी। और यहाँ पर वो उस बम का कंपेरिजन एक हॉर्न से करने लगते हैं। वो कहते हैं कि देखा उसके सिर पर, उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी लेकिन हमने उसे देख ही लिया, बिल्कुल जस्ट लाइक प्रिंसेस फियोना, वो किसी लिटिल मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी। इसके बाद ये सब शियान बाहर खड़ी खड़ी सुन रही होती है। तभी शियान की उसे आवाज़ लगाती हैं, तीनों दोस्तों को पता चल जाता है कि शियान के रूम के बाहर ही खड़ी हुई है। इसके बाद शियान गेट पर दस्तक देती है, उनसे टॉयलेट पेपर मांगती है। इसके बाद शियू उसे टॉयलेट पेपर देता है, उससे सॉरी बोलता है कि यार ज़्यादा गुस्सा मत होना, ये सब तो पागल ही है। इसके बाद शियान वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर शिव के फ्रेंड के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था तो वो दोनों से लेकर डॉक्टर के पास आते हैं एंड उसी सेम शॉप पर शियान भी अपने लिए दवाई लेने के लिए आई थी बिकॉज अपने बम की वजह से। इसके बाद जब वो वहाँ पर मेडिसिन ले रही होती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो उसको खरीद सके। पर शियू भी आ जाता है और वो उसकी मेडिसिन के लिए पैसे पे कर देता है और वो कहता है कि चलो तुम इसके चक्कर में मुझे कहीं पर
ट्रीट देना होगा। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर शियू काफ़ी छोटी सी ट्रीट मांगता है, लेकिन जब वो जैसे ही उसकी हॉर्न के बारे में बात करने लगता है हमारी शियान गुस्सा हो जाती है एंड वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं। यहाँ पर हमारा शियू रास्ते में वेट कर रहा होता है एंड वो अपने स्कूल ही जा रहा होता है। जब शियान उसे दूर से देखती है तो वो उससे दूर भागने लगती है और अनएक्सपेक्टेडली वो स्कूल के रॉन्ग डायरेक्शन में भागने लगती है। यू कहता है कि एक मिनट, स्कूल तो इस डायरेक्शन में है, ये इधर क्यों भाग रही है। फिर वो सोचता है कि चलो छोड़ो यार, मुझे क्या करना। इसके बाद जब शियान लगे पड़े जब स्कूल पहुंच जाती है, स्कूल बंद होने से पहले, यहाँ पर उसे पहले ही अपनी टीचर से डांट पड़ जाती है एंड शी यू और शियान दोनों ही लेट थे। इसके बाद उन्हें असेंबली से दूर बाहर खड़ा होना पड़ता है। लकीली यार अनलकीली कुछ भी कह लो, ये दोनों एक दूसरे के डेस्क मेट भी बन जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शियान काफ़ी ज़्यादा रट्टू तोता है, मतलब उसे सब कुछ ज़्यादा रटने की आदत है। शी यू कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट वर्क करता है, उसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो अपनी अलग ही बुक्स पढ़ता रहता है, जैसे कि लाइक गैजेट्स टाइप, और वो क्लास के सिलेबस तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। जब भी टीचर्स कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो बिना हिचकिचाते हुए वो सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देता है, जबकि शियान बिल्कुल नहीं करवाती। शियान को बताता है कि पागल सब कुछ रट्टा मत करो एंड उतना ही पढ़ा करो जितना तुम्हें मैटर करता है, कुछ क्यों रट लेती हो एंड इसकी वजह से तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, मंद बुद्धि। शियान को उसकी बातें कहीं भी पल्ले नहीं पड़ रही थी और वो सोच रही थी कि यार ये अजीब इंसान है, मेरे गले क्यों पड़ा हुआ है। तो शियान दरअसल बहुत ही ज़्यादा सीरियस आती है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक क्लास की चुड़ैल सी लड़की उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी एंड आई थिंक उसका हमारे शिव पर क्रश रहता है। तो वो शियान को उसकी डेस्क पे से उठने के लिए बोलती है बिकॉज उसे शिव से कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं। शियान बाहर भागती है एंड यहाँ पर हम उसके एक सीनियर को देखते हैं। सर उसके सीनियर का नाम सो कॉन्ग रहता है जो कि शियान को काफ़ी पहले से जानता है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन भी देता है। जब शियान बेचारी बाहर बैठकर रो रही होती है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता अकॉर्डिंग टू हर एंड वो कुछ ज़्यादा ही चुप चुप रहती है। इसके बाद जब वो शियान को रोते हुए देखता है तो उसके पास आता है, वादा लेता है कि यार तुम कभी भी गिव अप मत करना, ठीक है ये जगह तुम्हारे लिए नई है बट इट्स ओके यार, थोड़ा एडजस्ट करना तो सीखना पड़ेगा। इसके बाद शियान काफ़ी कोशिश करती है एडजस्ट होने का लेकिन बेचारी कर नहीं पाती। इसके बाद जब वो घर पर जाकर काफ़ी ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करने लगती है, उसके मोम एंड डैड उसका बदला सा बिहेवियर नोटिस करते हैं, उन्हें लगता है शायद उसको कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद वो जब अपने क्लास में जाती है तो उसी वही चुड़ैल लड़की वापस आ जाती है। इसके बाद शियान कहती है कि ठीक है अब ना हम अपनी डेस्क ही चेंज कर लेते हैं, तुम मेरी डेस्क पर बैठ जाओ मैं तुम्हारी पर बैठ जाऊँगी। इसके बाद वो दोनों भी डेस्क चेंज कर रहे होते हैं तभी शिव उसे रुकता है कि अगर तुम एक बार जा रही हो ना तो दोबारा आना भी मत। यहाँ पर शियान को उसकी बात समझ में नहीं आती, कहती है कि हटो यार क्या पहले हो जा रहे हो, मुझे तो जाना है तो मैं जाऊँगी। इसके बाद वो डेस्क से चली जाती है। यहाँ पर उसका डेस्क मेट जो नया डेस्क मेट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रूड रहता है, वो उससे ढंग से बात भी नहीं करता। इसके बाद वो शियान से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नॉइजी हो तो यहाँ पर चुप रहो एंड ज़्यादा बातें मत करो, मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं हो एंड नॉइजी गर्ल। इसके बाद शियान सोचती है कि यार इससे अच्छा तो शियू ही था बट अब क्या होता। आफ्टर दैट वो काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करती है बट बेचारी करे भी क्या, उसका मन तो वहाँ पर लगता ही नहीं है। आफ्टर दैट अगले दिन टीचर्स डे होता है और वो अपने डैड की डेस्क पर अपने लिए गिफ्ट देखती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है वो और उसके डैड काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं एंड काफ़ी अच्छा फील करते हैं। दरअसल काफ़ी दिनों बाद शियान का मूड अच्छा हुआ था डैड की वजह से, उसके डैड उसके बिहेवियर को थोड़ा बहुत समझ रहे थे। शियू की मॉम एंड शियान के डैड एक साथ मिलते हैं, शियू की मॉम शियू से कहती हैं कि अब से ना तुम शियान को अपने साथ स्कूल ले जाया करो, वैसे भी वो इस सिटी में नहीं है तो तुम्हारी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगी। शियू कहता है कि हाँ आंटी बिल्कुल क्यों नहीं। यहाँ पर शियान कहती है कि हाँ आंटी हम बिल्कुल तैयार हैं, जबकि दोनों के मन में तो आग के शोले फूट रहे थे बिकॉज वो दोनों एक दूसरे को फूटी ही आँख से भी पसंद नहीं करते, जैसा भी हो उन्हें करना तो पड़ेगा। इसके बाद शियू उसे रोज घर के बाहर पिकअप करने के लिए आ जाता था एंड शियान को भी ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जब टीचर क्लास में ये कर चले जाते हैं कि जो भी शोर करे उसका नाम लिख लेना, इसके बाद वो चुड़ैल लड़की सबसे पहले हमारे शियान का नाम लिख देती है जिसके चक्कर में टीचर उसे काफ़ी डांट लगाते हैं। और यहाँ पर जो शिव का फ्रेंड रहता है वो खड़े होकर कह देता है कि हाँ सर सभी बात कर रहे थे, मैं कर रहा था, शिव कर रहा था एंड शियान कर रही थी एंड दो चार लड़के और कर रहे थे। इसके चक्कर में
ना सिर्फ शियान को बाकी पूरी ज़्यादातर क्लास को पनिशमेंट मिल जाती है। यहाँ पर शिव का फ्रेंड सभी से सॉरी बोलता है, जबकि शियान को इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि उसे थोड़ी अकेले पनिशमेंट मिली थी। शिव जैसा भी हो बट बेचारा शियान की काफ़ी मदद तो करता है। इसके बाद जब ये सभी प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं तभी बॉल आकर हमारी शियान को लगने वाली होती है, बट हमारा शिव उसे बचा लेता है। पूरा हीरो वाला सीन बन जाता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।